जागरूक भारत 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में टीचर ने 5 साल की मासूम बच्ची की होमवर्क ना करने की वजह से पिटाई कर दी। बच्ची जब अपने घर पहुंची तो उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। परिवार वालों ने स्कूल में शिकायत दर्ज कराई। टीचर ने उल्टे परिजन से सुलहनामा लिखवा लिया और किसी को ना बताने की हिदायत भी दी। पूरे मामला का खुलासा एक वीडियो से हुआ है। किसी ने चुपके से बच्ची की पिटाई का वीडियो बना लिया था जिसके बाद में वायरल कर दिया गया। बाल खींचे और मुंह पर तमाचे ही तमाचे मारे। वीडियो में टीचर बच्ची को पीटती दिखाई दे रही है। यह वीडियो किसी ने बगल की क्लास की खिड़की से बनाया था। टीचर बच्ची को 30 सेकंड में 10 थप्पड़ मारती है। पहले बाल खींचती है, फिर उसके मुंह पर चटाचट थप्पड़ बरसाती है और वह उसे डांट भी रही है। मासूम के मुँह पर मिले चोट के निशान। मामला उन्नाव के असोहा ब्लॉक के इस्लाम नगर प्राथमिक विद्यालय का है। यहाँ सुशीला कुमारी शिक्षा मित्र है। सुशीला पर आरोप है कि उन्होंने इस्लाम नगर की रहने वाली रमेश कुमार की बेटी तन्नू को होमवर्क ना करने की वजह से पीटा। अफसरों की जांच में पता चला कि यह वीडियो 11 जुलाई का है। उधर बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि जांच कराई जाएगी, दोषी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरूक भारत 24 न्यूज़, उत्तर प्रदेश।